गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो वर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका मतलब क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो वर्ड है, यानी जो टर्म है, ये बना है एक वर्ड सर्कुलेशन से। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो चीज़ें हैं बॉडी में मूव कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, घूम रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन प्रोसेस को जो सिस्टम कैरी करता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमन बॉडी से इसको कंपेयर करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में क्या है? हर्ट है, मतलब उनके पार्ट्स अगर हम बात करें तो हर्ट है, जो कि ब्लड को पंप करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। और ब्लड जब पंप होता है, हम जानते हैं ब्लड इज़ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह क्या है, एयर जो है ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। तो ये फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। उसी तरीके से इंसेक्ट्स के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स के अंदर ब्लड नहीं होता है। ब्लड जो होता है, ब्लड का कलर होता है रेड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर हम बात करें इन केस ऑफ इंसेक्ट, तो उनके बॉडी में प्रेजेंट होता है हीमोलिम्फ, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोलिम्फ। तो मैं यहाँ पे आपको मार्क करके भी साथ चलूँगा। आप देख सकते हो हीमोलिम्फ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। हीमोलिम्फ क्या होता है, बस वो समझ लीजिए कि इंसेक्ट का ब्लड हुआ, ठीक है। लेकिन उसका जो कलर होता है, दैट इज वाटर कलर, यानी हम कह सकते हैं वो कलरलेस होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंसेक्ट का जो बॉडी होता है, अगर हम बात करें, अगर आप इंसेक्ट को अगर काटते हो या फिर इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो ये मान लीजिए जो सामने मैंने बनाया है आपका, ये बॉडी इंसेक्ट बॉडी है, ठीक है। तो ऊपर में होता है, ये जो ऊपर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द डॉर्सल पार्ट, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस इज द डॉर्सल पार्ट। एंड नीचे जो जमीन की तरफ रहता है इंसेक्ट, अगर चलता है तो जमीन की साइड जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द वेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो इनमें इंसेक्ट्स का जो गट है, ये जो पूरा रीजन आपको सर्कुलर जो दिख रहा है एरिया, दैट इज कॉल्ड अ गट। और गट जो है, उनमें टोटल दो डायफ्राम से तीन कंपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो डायफ्राम्स होते हैं, ठीक है। अभी हम लेक्चर्स में आगे डिस्कस करेंगे कि वॉट आर द फंक्शन ऑफ दीज डायफ्राम। तो ये दो डायफ्राम होते हैं, नीचे वाले डायफ्राम को हम कहते हैं वेंट्रल डायफ्राम, ठीक है। और ऊपर वाले जो डॉर्सल साइड पे है, दैट इज कॉल्ड द डॉर्सल डायफ्राम, ठीक है। और नीचे साइड जो है, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल डायफ्राम, ठीक है। अब ये जो डायफ्राम है, ठीक है, इसका भी फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। मतलब ये सर्कुलेशन में, जो हीमोलिम्फ का सर्कुलेशन है, उसमें भी हेल्प करता है। कैसे करता है वो हम आगे के प्रोसेस में, यानी आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे आप क्या देख रहे हो, इसमें आपको पता चल गया कि जो इंसेक्ट का गट है, वो तीन रीजन में इन दो डायफ्राम्स की वजह से बढ़ जाता है। द रीजन नंबर वन, ठीक है, द रीजन नंबर टू एंड द रीजन नंबर थ्री। आई होप अभी मैंने बेसिक आपको डिस्कस किया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इनका सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, हम सेंटेंस वाइज पढ़ते चलेंगे। सर्कुलेशन इन इंसेक्ट इज मेनली बाय सिस्टम ऑफ मस्कुलर पंप्स मूविंग हीमोलिम्फ थ्रू कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाई फाइब्रो मस्कुलर सेप्टा एंड मेम्ब्रेन्स। कहने का मतलब है, अगर जैसे हम ह्यूमंस में बात करते हैं, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, प्रॉपर उनके लिए अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। लाइक हर्ट का फंक्शन अलग डिफाइंड है कि वो पंप करेगा, वेसल्स हो गए, कैपिलरीज हो गई, उनकी अलग अलग फंक्शंस डिफाइंड हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ इंसेक्ट, उनमें कोई भी अलग सा हर्ट नहीं होता है, कोई अलग सा उनमें वेसल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। उनमें एक ट्यूब प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस मतलब कह सकते हैं कि एक ट्यूब प्रेजेंट होता है, और उसी ट्यूब में, मतलब एक ट्यूब के रीजन को हम हर्ट कह देते हैं, एक ट्यूब के रीजन को हम ऑर्टा कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो इंसेक्ट का जो पूरा बॉडी है, मैं आपको डायग्राम पे भी जस्ट दिखाता हूं, ठीक है। तो इंसेक्ट का जो बॉडी है, उसमें एक वेंट्रल साइड पे, सॉरी डॉर्सल साइड पे, यानी ऊपर की साइड पे, जो इंसेक्ट का जिस साइड पे विंग होता है जब वो चलता है, तो ऊपर साइड हुआ ना उसका, ठीक है। तो उस साइड पे एक ट्यूब पाया जाता है, ठीक है। और वो ट्यूब कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। अब देखिए, ये जो ट्यूब है, ये मैंने बनाया है पोस्टीरियर साइड, यानी पीछे का साइड है इंसेक्ट का, और हेड जो है, मतलब इस साइड पे है, ठीक है। इंसेक्ट का जो हेड है वो इस साइड पे है, ये इसका कहलाता है आगे का साइड, ठीक है, और ये कहलाता है पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड जो होता है वो क्लोज होता है, यानी एंड एट दी क्लोज, और ये जो होता है ओपन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ना,
ये जो ट्यूब हमने बनाया है, अभी हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में डिटेल, तो यहीं पे होता है हर्ट, यानी इसी यही ट्यूब के जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, इसमें वन लाइन ऑफ मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, जो कि मायोकार्डियल सेल्स मतलब जो हर्ट में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यही पंप करते हैं हमारे हीमोलिम्प को, और वो फिर ट्रांसफर होता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है। तो उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अब बात को समझिएगा, मैंने क्या बोला कि जो इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है। लॉन्ग जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है, और जो एंटीरियर एंड होता है यानी आगे का जो एंड होता है दैट इज ओपन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे, द मेन पंप इज द पल्सेटाइल डॉर्सल वेसल, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो मेन पंप जो होगा वो कौन होगा, डॉर्सल वेसल जो होगा, जिसको हम हर्ट भी कहते हैं। मैंने जस्ट अभी बात किया, इस ट्यूब में जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द हर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीरियर पार्ट में कॉल्ड ऑर्टा एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड द हर्ट, ठीक है। तो डॉर्सल वेसल यानी हम कह सकते हैं जो वेसल है जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, वो उसका पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हर्ट बोलेंगे, और एंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्टा बोलेंगे, ठीक है। द डॉर्सल वेसल इज अ सिंपल ट्यूब, मैंने जस्ट बताया, जनरली कंपोज्ड ऑफ वन लेयर ऑफ मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है। मायोकार्डियल सेल्स क्या होते हैं, हर्ट सेल्स जो कि पल्सेटाइल होते हैं, एंड विद सेगमेंटली अरेंज्ड ओपनिंग कॉल ओस्टिया, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये हर्ट है, मान लीजिए इनका जो हर्ट है तो इसमें ब्लड जाना यानी हीमोलिम्फ जाना चाहिए, तो हीमोलिम्फ जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, दैट ओपनिंग्स आर कॉल्ड ओस्टिया, ठीक है। तो ओस्टिया करता क्या है, ओस्टिया परमिट्स द वन वे फ्लो ऑफ द हीमोलिम्फ इनटू द डॉर्सल वेसल, ठीक है। डॉर्सल वेसल जो है यानी कहने का मतलब है जो हर्ट है पीछे से, जो वेसल में जो ब्लड जाना है यानी हीमोलिम्फ जाना है, उसके लिए वो पैसेज है, वन वे पैसेज है, मतलब सिर्फ अंदर की तरफ डॉर्सल वेसल में उसमें हीमोलिम्फ जा सकता है, वापस उसमें से उस रास्ते निकल नहीं सकता है, ठीक है। तो वो ये अगर हम वन वे फ्लो बोल रहे हैं तो वन वे फ्लो कैसे हुआ है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स, वहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। देयर में अप टू थ्री पेयर्स ऑफ द थोरेसिक ओस्टिया, ठीक है। हम जानते हैं इंसेक्ट का जो बॉडी होता है तीन रीजन में डिवाइडेड होता है, तो थोरेसिक ओस्टिया कितना होता है, आप यहाँ पे देखो मैंने क्या मेंशन किया है, थोरेसिक ओस्टिया जो है वो थ्री पेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि अब हो सकते हैं मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट इंसेक्ट्स में ये चीज़ें अलग अलग होंगी, तो देर में भी थ्री पेयर्स ऑफ थोरेसिक ओस्टिया एंड नाइन पेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल ओस्टिया, ठीक है। जैसे आपने 12th 11th में पढ़ा होगा कि कॉकरोच के केस में 13 सेगमेंट्स होते हैं हर्ट के, या फिर उनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है 13 पार्ट में, मतलब 13 सेगमेंट्स में होता है, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं उनमें अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, उनके बॉडी सेगमेंट के नंबर के अनुसार, ठीक है। तो हो सकता है कि तीन पेयर ऑफ थोरेसिक ओस्टिया हो, ठीक है, हर सेगमेंट में एक एक पेयर, एंड 9 पेयर ऑफ द एब्डोमिनल ओस्टिया। द डॉर्सल वेसल लाइज इन द पेरिकार्डियल साइनस। अब ये साइनस क्या है, साइनस इट मीन्स द स्पेस, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये इनका गट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने क्या बोला था, वेंट्रल डायफ्राम, सॉरी डॉर्सल डायफ्राम, ये डॉर्सल साइड है इसीलिए, और यहाँ पे बताया था हमने वेंट्रल डायफ्राम क्योंकि वेंट्रल साइड है। तो ये जो स्पेस नंबर वन है ना, ये जो स्पेस नंबर वन, इस ये स्पेस को हम कहेंगे साइनस, और ये साइनस में ही प्रेजेंट होता है। अभी डायग्राम से भी आप देखोगे, मैं आपको ऑलरेडी जो प्रिपेयर डायग्राम है वो भी शो करने वाला हूँ। तो ये जो रीजन नंबर वन है, इस रीजन में ही प्रेजेंट होता है ये ट्यूब। हमें इंसेक्ट का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है आप इंसेक्ट को पीछे से देख रहे हो, हमने कट किया उसको बीच से और आप पीछे से देख रहे हो, तो जो ऊपर वाला रीजन है जहाँ पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ दैट इज दी उसका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल साइनस। साइनस मीन्स स्पेस, ठीक है, पेरिकार्डियल साइनस। आई होप आपको ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो समझ में आ रहा होगा। अब देखो जो डॉर्सल वेसल है वो लाई करता है पेरिकार्डियल साइनस में, वही यहाँ पे बातें मेंशन की जा रही हैं कि जो पेरिकार्डियल साइनस है, ठीक है, स्पेस है जो कि डॉर्सल जो हमारा डायफ्राम है उसके ऊपर होता है, कंपोनेंट अबव द क्या लिखा है, डॉर्सल डायफ्राम, जो कि बना होता है फाइब्रोमस्कुलर सेप्टम है, सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेपरेट करता है, फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड सेगमेंटल पेयर ऑफ एलरी मसल्स। कहने का मतलब ये जो डायफ्राम है, डॉर्सल डायफ्राम है, किस चीज़ से बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जैसे आप जानते हो कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह भी आपको पता होगा, ठीक है, जनरली है जो कनेक्टिव टिश्यू कहने का होता है एडिपोज टिश्यू, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, तो इस पर हम डिटेल नहीं जाते हैं, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू कंडक्शन में हेल्प करता है। एलरी मसल्स यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एलरी मसल्स का फंक्शन क्या है, बेसिकली ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इंसेक्ट बॉडी का, क्योंकि जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, यानी जैसे हर्ट हमारा बीट हो रहा है तो हर्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसी तरीके से इंसेक्ट का जो हर्ट है पीछे साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे, उसको भी क्या कहने पंप होना है।
तो पंप में बेसिकली एलरी मसल्स हेल्प करते हैं। आप यहाँ पे पढ़ो क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, द एलरी मसल्स सपोर्ट द डॉर्सल वेसल, सबसे पहले तो सपोर्ट ही करेगा, बट देयर कॉन्ट्रैक्शंस डू नॉट अफेक्ट द हार्ट बीट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प तो जरूर करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट को जरूर बढ़ाता है, लेकिन हार्ट बीट को अफेक्ट नहीं करता है। कहने का मतलब है हार्ट बीट के नंबर को बढ़ा घटा नहीं सकता है एलरी मसल्स, सिर्फ थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है यानी कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है एलरी मसल्स। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अभी तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज द हीमोलिम्फ, ठीक है। अब हीमोलिम्फ कहाँ से एंटर करेगा आप ध्यान दो, अब ये ट्यूब है, ठीक है, तो ट्यूब में ये पीछे साइड पे हर्ट है, ठीक है, तो नेट फ्लो जो होता है ये इंसेक्ट का जो हेड है नेट फ्लो जो होता है वो इधर से होता है, ठीक है। हर्ट में वन वे फ्लो में एंटर हुआ यहाँ पे हीमोलिम्फ, ठीक है, डिस्कस करेंगे क्यों हो रहा है यहाँ पे एंटर, और यहाँ से वो फिर आगे की तरफ ऑर्टा होते हुए आगे की साइड निकलता है और फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, हेड के एंटीना में, विंग्स वगैरह में, जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ट्रांसफर होता है, फिर वहाँ से हर जगह से फिर रिलीज आउट होके, मतलब हीमोलिम्फ का जो मटेरियल है, फूड है, जो चीज़ें यूज़ हो गई हैं, ठीक है, वो वहाँ से, या फिर जो उनके वेस्ट है सेल्स के, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको कलेक्ट करके फिर वापस से पीछे लेकर आता है, और फाइनली जो विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम्स ये वापस से ऑस्टिया में जाता है, फिर वापस से ये सर्कुलेशन चलता होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे हीमोलिम्फ के बारे में, तो हीमोलिम्फ इंटर्स द पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस कहने का मतलब है जो डॉर्सल डायफ्राम के ऊपर है, ठीक है, वाय सेगमेंटल ओपनिंग्स इन द डायफ्राम। कहने का मतलब है डायफ्राम में भी सेगमेंटल ओपनिंग्स होती है, यहाँ जो आप देख रहे हो दिस इज द सेगमेंटल ओपनिंग, ठीक है, डायफ्राम में भी सेगमेंटल ओपनिंग है जिससे पेरिकार्डियल साइनस में जो हीमोलिम्फ है इंटर करता है, देन वो मूव करता है डॉर्सल वेसल्स की तरफ, ठीक है। डॉर्सल वेसल मतलब हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज द हर्ट वाय ऑस्टिया, ऑस्टिया से होके वो हर्ट में जाता है ड्यूरिंग अ मसल रिलैक्सेशन। अब सोचो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या, अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो थोड़ी है कि उसमें हीमोलिम्फ एंटर कर पाएगा, नहीं। तो जब भी मसल्स रिलैक्स फेज में होता है तब जो हीमोलिम्फ है वो एंटर करता है इंसेक्ट के ऑस्टिया के थ्रू होते हुए, यानी जो डॉर्सल वेसल है यानी जो हर्ट है वहाँ पर एंटर कर जाता है, ठीक है। वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एट दी पोस्टीरियर एंड, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं इंसेक्ट का जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। पंप द हीमोलिम्फ फॉरवर्ड इन द डॉर्सल वेसल, जब पीछे वाला पार्ट दबेगा तो प्रेशर जनरेट होगा बॉडी के पीछे वाला पार्ट में यानी एब्डोमिनल सेक्शन में, और वो जो हीमोलिम्फ होगा उसको फॉरवर्ड भेजेगा डॉर्सल वेसल में आउट एंड वाया द ऑर्टा इनटू द हेड, मतलब हेड की तरफ ऑर्टा होते हुए वो जाएगा, ठीक है। अब हेड तक पहुंच गया, हेड में हम जानते हैं बहुत सारे अपेंडेजेस हैं, जैसे एंटीना हो गया, आई हो गया, विंग्स हो गए, अपेंडेजेस हेड में नहीं, कहने का मतलब है कि विंग्स जो होंगे बॉडी पे हैं, तो एंटीरियर पार्ट में विंग्स हैं, हेड है, एंटीना है, तो और जितने भी अपेंडेजेस हैं, ठीक है, हेड एंड थोरैक्स में, उनको सप्लाई होता है हीमोलिम्फ, ठीक है। नेक्स्ट द अपेंडेजेस ऑफ द हेड एंड द थोरैक्स आर सप्लाइड विद द हीमोलिम्फ, ठीक है, एज इट सर्कुलेट्स पोस्टीरियो वेंट्रली। कहने का मतलब पोस्टीरियर साइड से वेंट्रल साइड पे आ रहा है यानी एंटीरियर साइड पे आ रहा है, तो इनका सर्कुलेशन कैसा होगा, सर्कुलेट पोस्टीरियो वेंट्रली एंड फाइनली रिटर्न्स टू द पेरिकार्डियल साइनस एंड द डॉर्सल वेसल। कहने का मतलब है सब चीज़ जब हर जगह चले जाता है, ठीक है, यानी एंटीना में चला गया, विंग्स में चला गया, हर जगह जब हीमोलिम्फ पहुंच जाता है तो फाइनली वहां से हीमोलिम्फ वापस से कलेक्ट होता है और लास्टली कहां जाएगा, पेरिकार्डियल साइनस में जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अभी तक समझ में आया होगा, ठीक है। देन द डायरेक्शन ऑफ हीमोलिम्फ सर्कुलेशन इन द बॉडी इज शोन इन द फिगर। अभी नीचे एक डायग्राम है, मैं आपको शो करता हूँ, तो वहाँ पे आप उस डायरेक्शन को भी देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द वेंट्रल डायफ्राम। द अनदर कॉम्पोनेंट ऑफ द इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इज द वेंट्रल डायफ्राम। वेंट्रल मतलब जो जमीन के साइड पे, नीचे साइड पे जो डायफ्राम प्रेजेंट है वो, ठीक है, वो भी क्या है, एक फाइब्रो मस्कुलर सेप्टम है, यानी फाइब्रस और मसल से बना हुआ एक सेप्टम है, सेप्टम मतलब सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है, दैट लाइज ऑन द इन द फ्लोर ऑफ द बॉडी कैविटी एसोसिएटेड विद द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। हम जानते हैं इंसेक्ट्स में जो नर्व कॉर्ड होता है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, उसीलिए उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो फाइब्रो मस्कुलर सेप्टम है यानी जो वेंट्रल डायफ्राम है वो बॉडी कैविटी से एसोसिएटेड होता है, कहाँ पे, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के पास यानी वेंट्रल साइड पे। सर्कुलेशन ऑफ द हीमोलिम्फ इज एडेड बाई, एडेड मतलब एड किया जाता है, यानी सर्कुलेशन को हेल्प मिलता है बाई एक्टिव पेरिस्टाल्टिक कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द वेंट्रल डायफ्राम। कहने का मतलब है वेंट्रल डायफ्राम जो है वो भी पोस्टीरियर साइड पे है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है,
ठीक है, यानी वेंट्रल डायफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जिससे जो हीमोलिम का ट्रांसफर जो हो रहा है साइनस की तरफ, यानी जो हमने ऊपर अभी जस्ट पढ़ा है जो साइनस में जा रहा है ब्लड, उसको क्या करता है, यानी जो पेरी न्यूरल साइनस है, कहने का मतलब इस चीज़ को पढ़ो, एक बार आप पढ़ो इस सेंटेंस को, द सर्कुलेशन ऑफ द हीमोलिम्फ इज एडेड बाई एक्टिव पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रल डायफ्राम विच डायरेक्ट्स द हीमोलिम्फ बैकवर्ड एंड लैटरली इनटू द पेरी न्यूरल साइनस बिलो द डायफ्राम। ठीक है, अब क्या होगा, दीज मूवमेंट आर इंपॉर्टेंट इन इंसेक्ट्स दैट यूजेस द सर्कुलेशन इन थर्मोरेगुलेशन, यानी ये जो सर्कुलेशन है, यानी जो जो एड हो रहा है वेंट्रल नर्व्स, वेंट्रल डायफ्राम जो एड कर रहा है बेसिकली, ये किस टाइप के इंसेक्ट में हेल्प करता है, जो थर्मोरेगुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं वेंट्रल डायफ्राम जो है और क्या हेल्प करता है, वेंट्रल डायफ्राम ऑल्सो फैसिलिटेट रैपिड एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स बिटवीन द वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड हीमोलिम्फ। ठीक है, वेंट्रल डायफ्राम जो है वो रैपिड एक्सचेंज के लिए पल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हीमोलिम्फ है उन पर प्रेशर बना रहा है, तो वो रैपिड एक्सचेंज में हेल्प करता है केमिकल्स, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होंगे ब्लड में, जैसे हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है डिफरेंट केमिकल्स हॉर्मोन्स, वैसे उनके हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होता है। डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, सिर्फ कलर में, हीमोग्लोबिन नहीं है तो इनका जो हीमोलिम्फ होगा, यानी जो हम कह सकते हैं इनका जो फ्लूइड है, दैट इज कलरलेस। डिफरेंस बस यहाँ पे होता है इंसेक्ट और ह्यूमन ब्लड में, यानी ह्यूमन फ्लूइड और इंसेक्ट फ्लूइड में। ठीक है, तो कहने का मतलब वेंट्रल डायफ्राम जो है फैसिलिटेट करता है रैपिड एक्सचेंज ऑफ द केमिकल्स बिटवीन द वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड द हीमोलिम्फ। आई होप अभी तक आपको जो टॉपिक है जो मैंने बताया है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हीमोलिम्फ होता है, थोड़ा सा उन पे डिटेल में हम बात करते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि ये लेक्चर जो है हीमोलिम्फ के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, क्योंकि हीमोलिम्फ ब्लड से कैसे अलग है, उनके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हीमोलिम्फ इज जनरली सर्कुलेटेड टू अपेंडेजेस यूनिडायरेक्शनली, कहने का मतलब एक डायरेक्शन में ही हीमोलिम्फ जाके ट्रांसफर होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, यानी अपेंडेजेस को। ठीक है, बाय वेरियस ट्यूब्स, सेप्टा, वाल्व्स एंड पंप्स। ठीक है, मस्कुलर पंप्स आर टर्म्ड एज एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स। अब ये एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स क्या है, अब बात समझिएगा। एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स का ये मतलब हुआ, लाइक सपोज कि ये रहा इंसेक्ट का हेड, ठीक है, और यहाँ पे एंटीना निकला हुआ है, तो इसमें अब एंटीना तो हायर अल्टीट्यूड पे, कहने का मतलब यहाँ तक इस टिप तक अगर हमें हीमोलिम्फ पहुँचाना है तो कैसे पहुँचेगा, यहाँ पे भी इस नीचे में कोई पंप होना चाहिए। ठीक है, तो हर अपेंडेजेस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एक पल्सेटाइल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये पल्सेटाइल ऑर्गन बेसिकली वहाँ तक जब हीमोलिम्फ पहुँच जाता है तो वो पंप करके जो ब्लड है, यानी जो हीमोलिम्फ है, उनको ट्रांसफर करता है डिफरेंट अपेंडेजेस में। आई होप जो आपको पल्सेटाइल ऑर्गन जो मैंने बताया है उसका मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ एंटीना एंड लेग्स। ठीक है, एंटीना एंटीनल पल्सेटाइल ऑर्गन्स रिलीजेज न्यूरो हॉर्मोन्स दैट आर कैरिड टू द एंटीनल ल्यूमेन टू इन्फ्लुएंस द सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, सर्कुलेशन अकर्स इन द विंग्स। अगर हमें बात करना है, देखो एंटीना में तो हमने बता दिया, ठीक है, अगर विंग में सर्कुलेशन चाहिए, क्योंकि देखो एंटीनल एंटीना और लेग्स में तो पल्सेटाइल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, विंग्स के लिए क्या होता है, वहाँ पे कोई पल्सेटाइल ऑर्गन नहीं है, तो विंग्स में क्या होता है, और विंग्स हम जानते हैं विंग्स जो होंगे सिर्फ एडल्ट्स में होंगे, क्योंकि जो छोटे होते हैं उन्हें विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो विंग्स होते हैं सिर्फ यंग एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब विंग में सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है, तो विंग में जब मान लीजिए विंग तक पहुँच गया हीमोलिम्फ, तो होता क्या है, तो विंग सर्कुलेशन इज सस्टेन बाय इनफ्लक्स ऑफ एयर इन टू द विंग वेन्स। विंग के वेन्स में जब एयर पहुँचता है तो वो हीमोलिम्फ को धक्का देता है, ठीक है, धक्का देगा और तब वो हीमोलिम्फ जो है वेंस में, या कह सकते हैं जो उनके विंग्स हैं, विंग में सर्कुलेशन कॉज करता है। ठीक है, रादर देन एनी पल्सेटाइल ऑर्गन, कहने का मतलब है उनके विंग में इन्फ्लक्स ऑफ एयर से ही जो ट्रांसपोर्टेशन है हीमोलिम्फ का हो पाता है, कोई भी उसमें पल्सेटाइल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है। पल्सेज ऑफ द एयर इन द फाइन ट्रैकियल ट्यूब्स, पल्सेज ऑफ द एयर इन द फाइन ट्रैकियल ट्यूब्स ऑफ द वेंस पुशेस द हीमोलिम्फ थ्रू द इनक्लोज स्पेस इन द वेंस। कहने का मतलब है, बस जो मैंने आपको बताया है कि जो ट्रैकियल, क्योंकि हम जानते हैं इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया होता है, तो ट्रैकियल ट्यूब्स में जैसे एयर रस करता है, यानी जाता है, वो हीमोलिम्फ को पंप करता है, ठीक है, और वो फिर डिफरेंट विंग सर्कुलेशन में हेल्प करता है, यानी विंग्स में सर्कुलेशन को कॉज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे, ठीक है, उससे पहले मैंने यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है, पढ़ो, द इंसेक्ट वेट, यस, द इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम शोज हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डॉर्सल वेसल फाइब्रोमस्कुलर डायफ्राम्स एंड एसेसरी पंप्स। कहने का मतलब है कि इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें बहुत हाई कोऑर्डिनेशन होता है उनके डॉर्सल और डॉर्सल वेसल्स में,
ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर डायफ्राम्स में एंड एसेसरी पम्प्स में। एसेसरी पम्प्स कहने का मतलब कौन कौन से हो गए, हर्ट हो गया, जैसे हमने डॉर्सल वेसल पढ़ा, ठीक है, पल्सेटाइल ऑर्गन्स पढ़ा, तो ये क्या है, एसेसरी पम्प्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे छोटे से एक डायग्राम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ठीक है, दिस इज दी हीमोसील, ठीक है, हीमोसील इज द कैविटी। ठीक है, कैविटी में से अब सबसे पहले ये क्या है, कैविटी है। अब ध्यान देना, सबसे पहले ब्लड जो होता है ऑस्टिया होने, ऑस्टियम क्या है, सिंगुलर फॉर्म दी ऑस्टिया, यहाँ से जो हीमोलिम्फ है एंटर करता है पंप के अंदर में। ठीक है, अब ये पंप के अंदर में हीमोलिम्फ एंटर किया, पंप क्या करेगा, पंप कह रहा हूँ ऑस्टियम यानी ओपनिंग है, सिंगल सिंगल डायरेक्शन में जो हीमोलिम्फ ट्रांसफर होता है हर्ट के अंदर में, यानी पंप के अंदर में पहुँचा। अब ये पंप जो है विद द हेल्प ऑफ एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो क्या कह सकते हैं, जो हीमोलिम्फ है उनको ट्रांसफर करता है थ्रू दी ऑर्टा टू दी हीमोलिम हीमोसील। कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे ऑर्गन्स को चाहिए वहाँ तक ये ब्लड जो है वो पहुँचता है। तो आप देख सकते हो दोनों साइड वेल्व्स बने हुए हैं और आर्टरी के थ्रू होते हुए डिफरेंट हीमोसील कहाँ है, जहाँ पे ब्लड चाहिए, हीमोसील इज द कैविटी जहाँ पे ब्लड स्टोर होता है, तो स्टोर होता है या फिर जहाँ पे यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द हीमोसील एरिया। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे हीमोलिम पहुँचता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंसेक्ट में भी हर्ट जो होता है, यहाँ पे मेंशन भी हमने एक डायग्राम से कर दिया है कि हर्ट जो होता है दैट इज ऑन द पोस्टीरियर एंड। ठीक है, ओस्टिया जो होते हैं हर हर्ट पे, देखो कि बहुत सेगमेंट में होते हैं ना, मैंने पढ़ाया कि अब थोरेसिक चैम्बर में भी होगा, एब्डोमिनल सेगमेंट में भी होगा, तो हर जगह ओस्टिया प्रेजेंट होता है। और जो आगे वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसको हम आगे ऑर्टा भी कह रहे हैं। ठीक है, आई होप जो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम है इंसेक्ट का वो समझ में आ गया होगा। नाउ द टॉपिक इज हीमोलिम्फ क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो हीमोलिम्फ इज द सेम लाइक ब्लड इन द ह्यूमन केस। ठीक है, तो हीमोलिम्फ क्या है, आप बेसिक सेंटेंसेस आप पढ़ सकते हो, बहुत बेसिक है। हीमोलिम्फ इज अ वाटरी फ्लूड, ठीक है, कंटेनिंग आयंस मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स। इट इज ऑफन क्लियर, जनरली क्या होता है, क्लियर होता है और कलरलेस होता है, बट मे बी वेरियसली पिगमेंटेड। ठीक है, पिगमेंट भी हो सकते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स के प्रेजेंट, मतलब पिगमेंट कहने का मतलब है कि इनमें कलर भी हो सकता है डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने की वजह से। जैसे रेयरली रेड होता है, रेयरली रेड, रेड क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द इमैच्योर स्टेजेस ऑफ फ्यू एक्वेटिक एंड इंडो पैरासाइटिक फ्लीज। ठीक है, यानी फ्लाइज आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, चिरोनोमिड लार्वा। तो इनके लार्वल स्टेज, हाँ लार्वा तो लिखा हुआ है, चिरोनोमिड के लार्वल स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिनके वजह से जो उनका हीमोलिम्फ होता है रेड कलर का होता है। ठीक है, तो हीमोलिम्फ परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ ब्लड एंड लिम्फ। जैसे ह्यूमन में अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम अलग होता है और ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है, लेकिन इन केस ऑफ, ठीक है, इंसेक्ट जो हीमोलिम्फ होता है वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, ब्लड का भी और लिम्फ का भी। ठीक है, हम डिटेल नहीं जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में, सिंपल आप समझ जाओ कि जो हीमोलिम्फ है दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, कभी भी हीमोलिम्फ गैस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ठीक है, तो अब बेसिकली इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, यानी रेस्पिरेशन में तो हेल्प नहीं कर रहा है, अब आप देख चुके हो। ठीक है, तो मेन इनका फंक्शन क्या है और कितने कंपोनेंट्स होते हैं इनके हीमोलिम्फ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, वेट अ सेकंड, यस, हीमोलिम्फ कंटेन्स अ फ्लूइड पोर्शन कॉल्ड प्लाज्मा, यानी जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, एंड सेलुलर फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइट्स, यानी जो उनके सेल्स होते हैं उनको हीमोसाइट्स बोलते हैं, और लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और लिक्विड पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और सेलुलर पार्ट मतलब जो भी डिफरेंट सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड हीमोसाइट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके प्लाज्मा क्या है और फिर हीमोसाइट्स क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मैंने बताया लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, लिपिड्स, शुगर्स, मेनली अगर शुगर में बात करें तो ट्रिहेलो शुगर जो होता है मेनली प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो बहुत सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो इस प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने मेंशन नाम कर दिया है। इसका जो पीएच होता है वो जनरली एसिडिक होता है, नियरली 6.7, डेंसिटी इज 1.01 टू 1.06, वाटर कंटेंट 84 to 92%। कहने का मतलब है होल ऑफ द प्लाज्मा एक्वा सॉल्यूशन है, तो बेसिकली किसी से बना होगा, 84 to 92% ऑफ द वाटर से। इनऑर्गेनिक आयंस लाइक सोडियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिहेलोज शुगर, ऊपर भी हमने मेंशन किया है, शुगर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिहेलोज है,
मेजर प्रोटीन्स लाइक लिपोप्रोटीन्स यानी लाइपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ फैट पार्टिकल्स, वेट, यस, लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ फैट पार्टिकल्स और लिपोप्रोटीन्स तो प्रेजेंट हैं, ठीक है। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड एमिनो एसिडेमिया, ठीक है, विच इफेक्ट्स द ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोटिक प्रोसेस जो है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको गड़बड़ कर देता है अगर एक्सेस ऑफ द एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। इन हाई एल्टीट्यूड इंसेक्ट्स जो जो ठंडे जगह पर ज़्यादा रहते हैं तो उनमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है जो कि एक्ट करता है एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड की तरह, यानी बॉडी को जमने नहीं देता, उनके हीमोलिम्फ को जमने नहीं देता है, ठीक है, फ्रीज नहीं होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट हम जानते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं मोस्टली इंसेक्ट जो होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल रीजन में है वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। आई होप जो आपको प्लाज्मा वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द हीमोसाइट्स, हीमोसाइट्स क्या है, सेलुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है। तो हीमोसाइट्स क्या है, द ब्लड सेल्स और द हीमो, ब्लड कहने का मतलब हीमोलिम्फ के अंदर जो सेल्स हैं वो, और हीमोसाइट्स आर द सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स, सेवरल टाइप्स एंड ऑल आर, एक मिनट, द ब्लड सेल्स और हीमोसाइट्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स एंड आर न्यूक्लिएटेड, कहने का मतलब जैसे ह्यूमन के केस में जो बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ कुछ जो होते हैं अन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, जैसे आरबीसी है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, अगर आपको पता होगा रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इन केस ऑफ हीमोसाइट्स, ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं और सारे क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोसाइट्स आर, जैसे हम नेम्स पढ़ लेते हैं इनके, कौन कौन से हीमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो प्लाज्मेटोसाइट है, ग्रैनुलर हेमोसाइट है, स्फेरुल सेल्स हैं, सिस्टोसाइट है, ओइनोसाइटोइड्स है, साइटोइड्स, एडिपो हेमोसाइट्स हैं, पोडोसाइट्स हैं, वर्मीफॉर्म सेल्स हैं। तो अभी सबके फंक्शंस यहाँ पे मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेल्स के नाम याद करना, लेकिन आप अगर चाहो तो एक रीडिंग डाल सकते हो, वीडियो को पॉज करो, आप इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ जाओ, ठीक है। तो इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, हीमोसाइट सेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द हीमोलिम्फ के बारे में, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ बेसिकली करता क्या है। तो सबसे पहला लुब्रिकेशन, लिक्विड पार्ट है तो लुब्रिकेशन में बेसिकली हेल्प करेगा ही। तो हीमोलिम्फ कीप्स द इंटरनल सेल्स मॉइस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज ऑल्सो मेड इजी। तो पहला पार्ट हो गया लुब्रिकेशन। नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिक मीडियम, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, हम जानते हैं बहुत जगह आप देखते होंगे कार्स वगैरह को पुल करने के लिए, खींचने के लिए, ठीक है, गैराज में वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लगाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम कहने का मतलब है कि हाई प्रेशर ऑफ द वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है हीमोलिम्फ, कि हम जानते हैं हीमोलिम्फ में प्रेशर तो होगा ही क्योंकि पल्सेटाइल ऑर्गन्स उसको पंप कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जैसे एक्डाइसिस यानी मोल्टिंग में हेल्प करता है, विंग एक्सपेंशन इन एडल्ट्स, विंग को फैलाने में, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, अब मेन पे अगर हम बात करें तो इन्वर्जन ऑफ मास्क इन द नाइट्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, नाइट्स में ड्रैगन फ्लाई के जो उनका हेड टाइप होता है क्या कैसा होता है, मास्क होता है ना, ठीक है, तो वो ड्रैगन फ्लाई के मास्क के इवर्जन में, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी शेप इन द सॉफ्ट बॉडी कैटरपिलर, ठीक है, जो कैटरपिलर्स हैं उनके बॉडी को एक परफेक्ट शेप देने में भी ये जो हाइड्रोलिक मीडियम है अंदर जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का जो बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ है वो एक हेल्प करता है। एक चीज़ और है, इन द रिप्रोडक्शन, इवर्जन ऑफ द पेनिस इन द मेल इंसेक्ट्स, पेनिस को क्या कह सकते हैं, पेनिस इज एन इरेक्टाइल ऑर्गन, तो उसको वहाँ पे इवर्जन ऑफ द पेनिस में भी हेल्प करता है इन द मेल इंसेक्ट। आई होप जो अभी दो फंक्शन हमने पढ़े हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। अब जनरली ये तो फंक्शन हमारे ह्यूमन ब्लड का भी है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं ब्लड में जो कि जो हमारे एक्स्ट्रा फूड प्रेजेंट है उनको स्टोर करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी स्टोर करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में भी हेल्प करता है, जैसे डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, ये सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है एंड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। आप इस चीज़ को यहाँ पे नॉर्मली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, गैसेस हो गए, उनको भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोलिम्फ। इट ऑल्सो रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के तरह भी काम करता है। वाटर एंड रॉ मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर हिस्टोजेनेसिस स्टोर इन द हीमोलिम्फ, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज द प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन मीन्स इनमें बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे फैगोसाइट सेल्स होंगे जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा, ठीक है, इनकैप्सुलेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन में, कोगुलेशन में, वुंड हीलिंग में, तो ये प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक लाइसोजाइम किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, हम भी जानते हैं लाइसोजोम्स होते हैं, ठीक है,
हमारे बॉडी के सेल्स में, जो कि एज अ प्रोटेक्टिंग, यानी आपने सुना होगा सुसाइडल बैग भी कहा जाता है इनको, तो ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी इन्वेडिंग बैक्टीरिया है यानी फॉरेन मटेरियल है उनको क्या करता है, किल करता है। नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर में हेल्प करता है, हम जानते हैं थर्मोरेगुलेशन में तो हीमोलिम का फंक्शन है ही, तो हीमोलिम थ्रू इट्स मूवमेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम रेगुलेट द बॉडी हीट, यानी थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, आयंस प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, हम अगर केमिस्ट्री या फिर आपने पढ़ा होगा पहले, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT, ठीक है, कंसेंट्रेशन इनटू आर गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, यानी मेन यहाँ पे सी यानी कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आयंस का कंसेंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू CRT, तो मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हेल्प करता है। क्यों, आयंस एमिनो एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन द हीमोलिम्फ, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो हमने छः अभी तक क्या किए हैं, छः फंक्शंस पढ़ लिए हैं हीमोलिम्फ के। नेक्स्ट जो दो फंक्शंस और बच रहे हैं, नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्स ब्लीडिंग, ठीक है, एक्सुडेशन ऑफ द हीमोलिम्फ थ्रू स्लिट पोर्स ETC रिपेल्स न्यूरल एनिमीज, नेचुरल एनिमीज लाइक एफिड्स, ठीक है। लास्ट जो है हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ सर्व्स एज द मीडियम फॉर ऑनगोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी जो भी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल्स जो भी प्रेजेंट हैं, डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनना, जो भी रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, कहने का मतलब है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो कहाँ होते हैं, हीमोलिम्फ के अंदर होते हैं। सो आई होप गाइज आपको जो आज का सर्कुलेटरी सिस्टम का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, और कम्प्लीटली आपने सर्कुलेटरी सिस्टम समझा है, इनके कॉम्पोनेंट्स को समझा है, और जो इनका हीमोलिम्फ का पार्ट है यानी जो इनका ब्लड है उनके बारे में भी जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं वो समझ में आ गया होगा। सो गाइज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।